नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पत्र लेखन विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, पत्र लेखन एक कला है। यह समाज की के अन्य व्यक्तियों से संपर्क करने का, या कह लीजिए कि बात करने का, एक अच्छा, सुगम और सस्ता साधन है। पत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। आज ज़माना बदल चुका है। पत्रों का स्थान मोबाइल मैसेज या फैक्स या ईमेल ने लेने की कोशिश की है, पर फिर भी पत्रों ने अपना रूप यहाँ पर बरकरार रखा है। बच्चों, हम अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे पत्रों के प्रकार की। तो बच्चों, मुख्य रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। बच्चों, औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम किसी ऑफिशियल पर्पज़, यानी कि कार्यालयी पत्र, प्रार्थना पत्र या संपादक को पत्र लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम अपने किसी जानकार या किसी रिश्तेदार को लिखते हैं। तो बच्चों, औपचारिक पत्र उन्हें कहा जा सकता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, जैसे व्यवसाय से संबंधित पत्र। जहाँ कहीं भी हम व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखते हैं तो हो सकता है उसके बारे में हमें पहले कोई जानकारी ना हो। प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, सरकारी कामकाज से संबंधित जो भी पत्र लिखे जाते हैं वह औपचारिक पत्र होते हैं। इसके अतिरिक्त हमें अपना किसी भी बात का विवरण अगर अखबार में देना होता है तो हम संपादक को पत्र लिखते हैं। तो बच्चों, संपादक को लिखा गया पत्र भी औपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्रों में भाषा का एक नियमित रूप होता है, उसे हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते और उसमें भावनात्मक रूप भी नहीं दे सकते। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज, सरल और शिष्टाचारपूर्ण होती है, क्योंकि जिससे भी हम पत्र लिखते हैं वह हो सकता है किसी बड़े पद पर हो या उससे हमारा कामकाज से संबंधित नाता हो। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जा सकती है। शब्द सीमा निर्धारित होती है, इसलिए हम इधर उधर की बातें नहीं लिख सकते। बात करें अनौपचारिक पत्रों की, तो अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिकता पर भाषा का जो है थोड़ी सी ढील दी जा सकती है, इससे भावनाएं जुड़ी होती हैं। पत्र में शब्दों की सीमा कोई निश्चित नहीं होती। पत्र में शब्द कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं और भाषा भी बहुत सरल, सहज और शिष्टाचारपूर्ण की बजाय थोड़ी भावनाओं से भरी हो सकती है, भावनाओं से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि जिसको भी हम पत्र लिखते हैं वह हमारे से संबंधित है, हमारे पारिवारिक रूप से संबंधित हो सकता है या हमारी मित्रता के आधार पर हमारे से संबंधित हो सकता है। तो ये पत्र माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, किसी को भी लिखा जा सकता है।